1991 में आईपीएस के लड़के बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने और उसकी लाश को खुर्द बुर्द करने के मामले में नामजद पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी आखिरकार आज एसआईटी के समक्ष पेश हो गए। सैनी को शामिल होने के लिए आज प्रातःकाल 11 बजे थाना मटौर में बुलाया गया था। इस संबंधी सुमेध सैनी के घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई को 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। केंद्र सरकार ने आज सुनवाई के दौरान कोर्ट से समय मांगा है। खटकर कलाम में सरदार भगत सिंह के स्मारक पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच गए। इस मौके पर उनके साथ सुनील जाखड़ प्रधान पंजाब कांग्रेस समिति, चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट मंत्री, मनप्रीत सिंह बादल कैबिनेट मंत्री, महारानी परनीत कौर, हरीश रावत भी पहुंचे थे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का बजट सत्र आज बाद दोपहर 1 बजे आरंभ होगा, जिसमें श्रोमणी समिति से संबंधित समूह आधारों का वार्षिक अनुमानित बजट पास किया जाएगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शाहूजी महाराज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा केयर सेंटर में आग लगने की सूचना मिली है। ट्रॉमा सेंटर में आए 15 मरीजों में से 4 को शिफ्ट किया गया। दिग्गज गीतकार अखिलेश का निधन हो गया। रविवार रात को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बेंगलुरु में प्रो कन्नड़ कार्यकर्ताओं और किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कृषि कानून के विरोध में आज राज्य में किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक में आज किसानों ने एक बार फिर राज्य बंद बुलाया है। कृषि कानून के विरुद्ध राज्य के किसानों ने ये बंद बुलाया है। इस दौरान आज सुबह शिवमोगा में ट्रैफिक सामान्य दिखा। कृषि कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इंडिया गेट के पास अज्ञात लोगों ने एक ट्रैक्टर को आग लगा दी। नई दिल्ली डीसीपी ने कहा कि करीब 15 से 20 लोग यहां इकट्ठा हुए और ट्रैक्टर में आग लगा दी गई। कर्नाटक में मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 27 सितंबर को दुबई से आए एक विमान से लगभग 33.80 लाख रुपए के सोने के 6 टुकड़े बरामद किए।